हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग नया पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो नया पीसी बिल्ड जो लोग कम बजट के अंदर करना चाहते हैं, जिनका बजट कम है, वो लोग ऑफ कोर्स वेट कर रहे होंगे राइजन 5 3500 या 3500X का। इवन दो 3500X बहुत कम लोग लेंगे, 3500 ही लोग लेंगे, या फिर बहुत सारे लोग 9400F पे बिल्ड करने वाले होंगे। तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ देर रुक जाओ, क्योंकि राइजन 5 3500 एक बार आ गया, उसकी बेंचमार्क आप लोग देख लेना, उसकी परफॉर्मेंस आप लोग देख लेना, और उसके बाद डिसाइड करना, क्योंकि हो सकता है वो 9400F से अच्छा CPU निकले। तो वहां पे आप एक ग्रेट डील मिस कर दोगे। और आप एक और चीज मिस कर सकते हो, वो है हमारी वेबसाइट, यानी कि superclockpcs.in। अगर आप superclockpcs.in से कुछ भी सामान खरीदते हो, कोई भी पीसी बिल्ड खरीदते हो, कोई भी, वहां पे बहुत सारे प्रीबिल्ड पीसीज हैं, बहुत सारे पीसी कंपोनेंट्स हैं। अगर आप उनमें से कोई भी प्रीबिल्ड पीसी खरीदते हो, तो आपको विंडोज प्री इंस्टॉल मिलेगी, पूरा पीसी बना बनाया आपके घर पे शिप होगा, एंड वेबसाइट पे जितनी कीमत लिखी हुई है उससे आपको एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, इवन आपको शिपिंग तक का पैसा नहीं देना है। तो अगर आप कोई प्रीबिल्ड पीसी खरीदना चाहते हैं, या फिर आपने अपनी स्पेक्स खुद लिखी हुई है कि भैया मुझे ये स्पेक्स चाहिए और मुझे पूरा पीसी बिल्ड विंडोज इंस्टॉल करके भेज दो घर पे, तो वो भी हो जाएगा। आज ही विजिट करें superclockpcs.in। और हाँ, आज की वीडियो में दो स्पॉन्सर है, एक और दूसरा स्पॉन्सर सुनो। दूसरा स्पॉन्सर है मेरा अमेजन का अफिलिएट लिंक। अगर आप अमेजन से कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, प्लीज, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है बहुत ज्यादा। तो बेसिकली बात करते हैं 3500 की, तो आप जाके प्राइम एवीजीपी पे विजिट कर सकते हो, वहां पे उन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया है राइजन 5 3500। तो ये तो बात कंफर्म है कि राइजन 5 3500 आने वाला है ना, वहां पे उन्होंने प्राइस मेंशन नहीं करी है, और प्राइस ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि प्राइस यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो इस वीडियो को पूरा देखो, तो मैं आपको ये चीज बता दूंगा या प्रूव कर दूंगा कि प्राइस यहां पे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। देखो, इवन दो AMD जो है वो 9400F से कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे प्राइस जो है, मुझे पता चली है प्राइस अपने कुछ सोर्सेस से, जिन्होंने कि मुझे बताया कि प्राइस जो है वो 12500 से 14000 के बीच में हो सकती है। तो अभी प्राइस जो है वो कन्फर्म नहीं है, 12500 से 14000 के बीच में हो सकती है। अगर 12500 होती है तो ऑसम होगा, वो इंटेल के जो है वो प्राइस के 9400F की प्राइस के काफी क्लोज जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारी साइट यानी कि superclockpcs पे जाओगे, तो वहां पे आपको 9400F जो है वो 11900 का मिल जाएगा, यानी कि अराउंड 12000, और 12500 पे यानी 500 रुपए के फर्क में अगर AMD निकाल लेता है तो वो भी जो है वो काफी अच्छा जाएगा। लेकिन अगर 14000 में निकालता है, एंड उस पॉइंट पे जो है वो थोड़ा बहुत लोग जो है वो डगमगाने लगेंगे कि भाई हाँ, थोड़ा उनको जो है वो प्राइस ज्यादा देनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे और चीजें भी लीक होकर आई है, सिर्फ 9400F नहीं है, यहाँ पे लीक्स आ रहे हैं AMD के जो है वो नावी ग्राफिक्स कार्ड का, यानी कि नावी 14 और नावी 12 GP, जिनका की रूमर चल रहा है कि वो अगले महीने रिलीज हो सकते हैं। और अगला महीना आने में कितना टाइम है, मात्र 5-6 दिन बचे हुए हैं। तो अगर ये अगले महीने ग्राफिक कार्ड आते हैं, तो NVIDIA की तरफ से भी 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड आने के लीक्स चल रहे हैं कि 1660 सुपर आएगा AMD के इन नावी ग्राफिक्स कार्ड को कम्पीट करने के लिए। एंड आप जो ग्राफिक कार्ड 1650 या 1660 Ti, इस टाइप के जो ग्राफिक्स कार्ड आप मिड रेंज के ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो, इनको कम्पीट करेगा AMD इन अपने नावी 14 और नावी 12 GPUs से। तो आपको अगले महीने बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलने वाली है एक मिड रेंज बजट के पीसी बिल्ड अगर आप करने की सोच रहे हो। तो मैं यही कहूंगा कि आप वेट कर लो। आप देखो, बात करते हैं अपने फिर से टॉपिक पे, बैक आते हैं 3500 की प्राइस पे। अगर 12500 में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 14 में आता है तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप 9400F के मुकाबले उसी को लो। क्यों? मैं AMD फैन बॉय नहीं हूं, पहली बात। तो फर्स्ट बेनिफिट राइजन 5 3500 का ये रहेगा कि आप एक AM4 प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, एंड AM4 प्लेटफॉर्म पे अगर तुम एक बार शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद तुम जो है वो अगर 2020 में AMD कुछ नई जनरेशन के CPUs जो लॉन्च करेगा Zen 3, तो उन पे भी आप अपग्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आप 9400F पे बिल्ड कर रहे हो, तो आप जो है वो मात्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9900K तक अपग्रेड कर पाओगे, और 9900K में भी आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप एक बेसिक B360 B365 चिपसेट का मदरबोर्ड ले रहे हो, तो उसकी VRM इतनी कैपेबल नहीं होगी कि वो एक 9900K को अच्छे से ऑप्टिमली रन कर पाए। तो आप बेसिकली मे बी शायद 8700 9K, तो आप बेसिकली 8700 9K शायद उससे ज्यादा आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपके पास अपग्रेडिंग पाथ जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। एंड इंटेल की जो नई जनरेशन आने वाली है, वो नए चिपसेट पर होगी, और उसमें जो है वो आपको BIOS अपडेट करके आप उसमें मूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा अगर आप नए जनरेशन के CPU यूज़ करना चाहते हो इंटेल की, और वो भी 14nm++++ पे ही बेस्ड होंगे। तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अटक जाओगे जिसपे आपको CPU अपग्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो जो है वो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। प्लस आपका जो चिपसेट होगा इस मदरबोर्ड के साथ, आप B365 जैसा वो चिपसेट लोगे जिसमें ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड नहीं होगी। लेकिन अगर आप राइजन 5 3500 लेते हो, तो आप एक B450 मदरबोर्ड लोगे, ठीक है, या फिर लीक्स आ रहे हैं कि B550 मदरबोर्ड भी आ सकता है। तो आप जैसे कि ये स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे B550 मदरबोर्ड जो है वो लीक हुआ है, एंड अगर आप B550 मदरबोर्ड पे अपग्रेड करते हो, तो भी आपको जो है वो एटलीस्ट आप राइजन 5 3500 में रैम ओवरक्लॉक कर पाओगे, अपने CPU को ओवरक्लॉक कर पाओगे, तो आप
अच्छी परफॉर्मेंस उससे निकाल सकते हो। प्लस आप उसमें राइजन में जो है वो और ऊपर सीपीयूज में जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। अगर B550 चिपसेट लॉन्च होता है तो B450 की प्राइस कम हो जाएगी, तो मदरबोर्ड और सस्ते हो जाएंगे। तो यानी कि आप जो है वो राइजन 5 3500 में भले आपको सीपीयू जो है वो थोड़ा महंगा मिल गया, लेकिन आपको मदरबोर्ड जो है वो सस्ता मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट करेंगी आपको अगर आप एक थोड़ा महंगा होने के बावजूद भी 3500 को लोगे। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो अगर किसी का बजट बहुत कम है, वो नहीं खरीदना चाहता, तो वो पुरानी जनरेशन के राइजन 7 2700X पे यूज्ड में डील खरीद ले, या फिर वो पुरानी जनरेशन का राइजन 5 2600 खरीद ले, उसकी भी प्राइस कम होगी, उसकी भी प्राइस कम होने वाली है, तो वो भी प्राइस कम होगी। और उसके अंदर 6 कोर 12 थ्रेड्स हैं, तो वो भी जो है वो आपको गेम्स में जो है वो अच्छी FPS देने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है वो जो बंदे ऐसे हैं जो 4 5 साल तक अपग्रेड नहीं करने वाले, वो लोग जो हैं वो एक पल के लिए सोच सकते हैं कि वो 9400F पे बिल्ड कर लें एंड उनका चीप में बिल्ड हो जाए। बट बाकी लोगों के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि PC मार्केट जो ये भी इंडस्ट्री है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, एंड इसमें जो है वो आपके हर 6 महीने में एक किसी न किसी कंपनी के कुछ ना कुछ नए कंपोनेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं। मन बहक जाता है नए कंपोनेंट्स खरीदने का, और क्या पता आप ज़िद करके अगले साल आपके कुछ में भी एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ और आपके घर वाले खुश होकर नए कंपोनेंट्स दिलवा दें। तो आपके पास एक अपग्रेड पाथ होना चाहिए, एंड वो जो है वो आपको अभी के लिए तो AM4 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर थोड़ी बहुत गेमिंग परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भी होती है, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि 0.1% और 1% लोज में जो है वो आपको AMD ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, बट स्टिल एवरेज FPS देखोगे बाकी लोगों की तरह तो फिर कभी स्मूथ गेम प्ले नहीं खेल पाओगे। 0.1% और 1% लोज देखोगे तो तुम्हें स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा, और वो जो है मुझे लगता है AMD प्रोवाइड करेगा। तो उम्मीद है यार तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी, बाकी तो जो चीज़ें करनी है वो कर ही लेना, नीचे वो लाल बटन दिया उसको दबा लेना, एंड थम्स अप वाले बटन्स को भी, और नीचे कमेंट करना एंड शेयर करना। बस बेसिकली बाय बाय।